आया है 20 सितंबर से शुरू होगी पहली से पांचवी तक की कक्षाएं। अभी से छठवीं से बारहवीं तक के स्कूल खुले थे, तो अब प्राइमरी स्कूल खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है और इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक सिर्फ छठवीं से बारहवीं तक के स्कूल खुले थे, कक्षाएं लग रही थी, लेकिन अब प्राइमरी स्कूल यानी पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं भी 20 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 20 सितंबर से पहली कक्षा से पांचवीं तक की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी मध्य प्रदेश में। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्कूल भी अब खुल जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का हालांकि पालन किया जाएगा, किस तरह से बच्चों को स्कूल लाना है, किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह से उनकी जो है सुरक्षा को लेकर क्लासेस लगेंगी, ये तमाम चीजें भी सामने जल्दी ही आ जाएंगी। और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर से आ रही जहां दिल्ली के लिए उड़ान भर रही फ्लाइट एयर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में टेकऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, तभी एक पक्षी विमान से टकरा गया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया के विमान से टकराया है पक्षी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसी दौरान एक पक्षी उस विमान से टकरा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली की उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया। अगली खबर का रुख करते हैं, जनदर्शन यात्रा के तहत निवाड़ी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान।